हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुल्लड़ पिज़्ज़ा की रेसिपी। आज तक आपने चाय तो बहुत पी होगी कुल्लड़ में, पर क्या कभी पिज़्ज़ा खाया है? ये पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और यम्मी बनता है। इस पिज़्ज़ा को हम मिट्टी के कुल्लड़ में बनाएंगे, जो झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। और ये इतना यम्मी बनता है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको बहुत इंजॉय करते हैं। अब जब भी पिज़्ज़ा खाना हो, तब आप झटपट से बनने वाले कुल्लड़ पिज़्ज़ा की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। एकदम स्ट्रीट स्टाइल में कुल्लड़ पिज़्ज़ा की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मैं कुल्लड़ पिज़्ज़ा कैसे बनाती हूँ। आज हम कुल्लड़ पिज़्ज़ा को बनाने वाले हैं नॉर्मल वाली ब्रेड से, जो सैंडविच ब्रेड आती है ना घर में, हम वही यूज़ करेंगे। आप इसकी जगह चाहे तो बर्गर वाली ब्रेड या फिर पिज़्ज़ा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड को हमें छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेना है। आप जो भी ब्रेड ले रहे हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हो सारी ब्रेड मैंने इस तरह से कट कर ली है। यहाँ मैंने 4 ब्रेड यूज की हैं। ब्रेड को रख देते हैं साइड में और चलिए कर लेते हैं आगे की तैयारियाँ। यहाँ मैंने ली एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाल दिया एक छोटा चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने एक प्याज यूज की है, एक शिमला मिर्च मैंने यहाँ पर यूज की है और एक ही यहाँ पर मैंने टमाटर भी यूज किया है। टमाटर का जो सीड्स वाला हिस्सा होता है ना, वो मैंने निकाल दिया था, उसको हटाकर मैंने यहाँ पर बाहर वाले हिस्से को यूज किया है। आप चाहे तो इसकी जगह लाल वाली शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ 1/4 कप कॉर्न मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। सारी सब्जियों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए बस 1 मिनट तक हमें इनको हाई फ्लेम पर पका लेना है। ऐसा करने से सब्जियों का कच्चापन निकल जाएगा और सब्जियों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा कुल्लड़ पिज़्ज़ा में। फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए आपको सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों में जो क्रंच रहता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है इस रेसिपी के टेस्ट को, फ्लेवर को। यहाँ पर 1 मिनट हो गया है सब्जियों को चलाते हुए। हमें सब्जियों को सिर्फ इतना ही पकाना है और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। यहाँ पर मैंने 100 से 150 ग्राम पनीर यूज किया है, जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया था। और अब ऐड करेंगे हम इसमें कुछ सॉसेस, जिसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप 3 चम्मच। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक हमारे सॉसेस में भी होता है, इसलिए नमक हम कम ही यूज करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब ऐड करेंगे मेयोनीज 2 बड़े चम्मच। 2 चम्मच ही पिज्जा सॉस भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप ये सॉसेस थोड़े कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास तंदूरी मेयोनीज हो तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच ओरिगेनो। आप इसकी जगह मिक्स हर्ब भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। और अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमें इनको मिक्स करने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। ध्यान रहे, सॉसेस डालते समय गैस का फ्लेम आपको लो कर देना है और जब आप इसको मिक्स करो तो आप गैस का फ्लेम मीडियम कर देना। और यहाँ पर हमारे सॉसेस बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने कट करके ब्रेड रखी थी, वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, इतने सामान में आप टोटल 4 बड़े कुल्लड़ पिज्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हो। अभी ब्रेड को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज। यहाँ पर मैं अमूल मोज़रेला चीज यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस वक्त हम 2 से 3 चम्मच चीज ही यहाँ पर ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा चीज यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। चीज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर देखिए चीज हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मिट्टी के कुल्लड़। कुल्लड़ आप जब भी यूज करें, अगर आपके पास नए कुल्लड़ हैं तो आप उनको पहले से धोकर रख लें, जिससे उनकी मिट्टी निकल जाएगी। और यहाँ पर एक एक करके हम कुल्लड़ को भरते जाएंगे। सबसे पहले हमने जो स्टफिंग बनाई है वो ऐड करेंगे, उसके बाद हमें इसमें थोड़ी सी चीज ऐड करनी है और अब ऐड करेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो और इसी के साथ ऐड कर देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। और अब फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे खूब सारी स्टफिंग। स्टफिंग को हमें बहुत अच्छे से भरना है। इसके ऊपर ऐड करेंगे खूब सारी चीज और उसी के साथ ऐड कर देंगे ओरिगैनो और अब ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और यहाँ हमारा एक कुल्लड़ तो हो गया है तैयार। इसी तरह से हम बाकी के कुल्लड़ भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमारे सारे कुल्लड़ बनकर बिल्कुल तैयार हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें कुल्लड़ पिज्जा को बेक कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में। आप चाहे तो इनको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इनको बेक होने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया है।
फ्रेंड्स ये पिज्जा आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाने में आसान और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा पिज्जा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना चीजी बना है ये। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ।